डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। उनके बहुत सारे बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसी बीच उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्हें एक दोस्त ने कांग्रेस में जाने का सुझाव दिया था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। रविवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त और कांग्रेस के नेता श्रीकांत चिचकर ने मुझे सलाह दी कि मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चला जाऊं। इस पर मैंने कहा कि मेरी विचारधारा उससे मेल नहीं खाती है, मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हो सकता। नितिन गडकरी ने कहा कि उस दौर की बात है जब मैं छात्र नेता था और भाजपा को अक्सर हार का सामना करना पड़ता था। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग। अगेन मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता स्टूडेंट लीडर था, सह में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले यार तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि जब आपको सफलता मिलती है और उसकी खुशी आपको अकेले होती है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। यदि आपको सफलता मिली है और उसकी खुशी आपके साथ काम करने वाले लोगों को होती है तो ये अच्छी बात है। जब आपको सक्सेस मिलता है तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा कि कारोबार हो या फिर राजनीति, मानवीय संबंध दोनों में ही अहम है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। यदि हम अपने ही दोस्तों की अच्छी बातों को पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लें तो खुद को सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी इस्तेमाल करो फेंको की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। अच्छे दिन हो या फिर बुरे दिन, जब एक बार किसी का हाथ थाम लें तो उसे थामे रहें, सिर्फ उगते सूरज की पूजा नहीं करें। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो, परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ।